अलवर जिला कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला अध्यक्ष टीकाराम जूली, जिला प्रमुख रेखा राजू यादव, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, महेंद्र शास्त्री सहित व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जगदीश सिंगल और अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया। जितेंद्र सिंह ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की, जिस पर उन्होंने कहा कि जीएसटी और नोटबंदी से व्यापारियों पर सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया, वहीं व्यापार भी पूरी तरह चौपट हो चुके हैं। व्यापार प्रकोष्ठ का आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है। इससे हमारे व्यापारी भाई कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और ख़ास तौर से इसलिए और इस समय कि जहां मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोट होते थे, व्यापारी माने जाते थे, वहाँ उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी तलवार मोदी सरकार ने और वसुंधरा सरकार ने चलाई है, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, और जीएसटी के साथ साथ एक जो भय पैदा कर रखा है, एक जो डर पैदा कर रखा है कि जो सीबीआई है, ईडी है, यहाँ की जो लोकल इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये सारे लोग उनको मतलब एक तरह से भयभीत हैं। और व्यापारी सिर्फ अपने व्यापार समाज को ही इफेक्ट नहीं करता है, पूरी जो आर्थिक व्यवस्था है पूरे देश की है, जिले की है, प्रदेश की है, उसको प्रभावित करता है व्यापारी। अगर आर्थिक रूप से आर्थिक व्यवस्था अच्छी चलती है तो उसका फ़ायदा किसान को भी मिलता है, उसका फ़ायदा मजदूर को भी मिलता है, उसका फ़ायदा हमारे युवाओं को भी मिलता है और व्यापार को भी मिलता है। और ख़ास तौर से जो अलवर जिला, जहाँ उद्योग और व्यापार, आपने प्रकोष्ठ का नाम बिल्कुल यहाँ अलवर के लिए बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ चल रही हैं, जो व्यापार एनसीआर के अंदर अलवर का एक व्यापार का नाम है, चाहे मंडी है, चाहे पूरे देश के अंदर अलवर का नाम बहुत फेमस है और सब लोग जानते हैं, और वो सारा एक तरह से ठप हो चुका है। बहरोड में व्यापारी से हुई लूट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है, आज व्यापारी दहशत में काम कर रहा है। व्यापारियों के ऊपर गोली चली है, मार के लोग भाग गए। कुछ दिन पहले बहरोड के अंदर व्यापारी अपने पैसे बैंक से ला रहा था, उसको रस्ते में ही उसको लूट लिया है, घरों में जाके फायरिंग हो रही है। तो आज एक व्यापारी बहुत डरा हुआ है और अपना जो व्यापार करने में सक्षम है, और इसलिए ही उसका पूरे आर्थिक रूप से हमारे पूरे जिले को और प्रदेश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है।